बिहार में पटना की विजिलेंस टीम ने महिला दरोगा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगो हाथ गिरफ्तार किया है। खबर मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूं। इंजीनियर अमित पंडित लाइव में आपका स्वागत। खबर है पटना के विजिलेंस टीम ने गुरुवार को वैशाली में एक महिला दरोगा को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगो हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा पूनम कुमारी की पोस्टिंग हाजीपुर नगर थाने में थी। गिरफ्तारी औद्योगिक थाना क्षेत्र के चाणक्य कॉलोनी से हुई है। दरअसल एक केस के सिलसिले में महिला दरोगा एक व्यक्ति से 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर ले रही थी। इसी दौरान वहां विजिलेंस की टीम पहुंच गई और दरोगा को उसके किराए के मकान से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है रंगे हाथों। महिला दरोगा की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है, अरे दरोगा है 10,000 की घूस ली है इसने। इस दौरान दरोगा पूनम कहती है, मैडम कुछ ले लीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। दरोगा खुद को विजिलेंस टीम से छुड़ाने के लिए हर तरह के बहाने बनाने लगी। टीम की महिला सदस्यों के कान में रिक्वेस्ट करने लगी। कभी कह रही थी मेरे घर का गैस ऑन है, बंद करने दीजिए। कभी टीम की महिला सदस्य के कान में धीरे धीरे से कह रही थी, पैसे लेकर सेटिंग करने की बात कर रही थी। इस मामले में महिला दरोगा जो है इस पे जो बड़ी कार्रवाई हुई है, विजिलेंस की टीम कई दिनों से महिला दरोगा के रिश्वत लेने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आज छापेमारी करने पहुंची है। महिला दरोगा के पास टीम ने रिश्वत में लिए पैसे भी बरामद किए। हालांकि दरोगा बोलती रही कि उसने कोई रिश्वत नहीं लिया है, लेकिन विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। एसपी हरिकिशोर राय, वैशाली जिला के एसपी ने हरिकिशोर राय ने कहा कि नगर थाना में पोस्टेड हैं सब इंस्पेक्टर पूनम कुमारी, आज अरेस्ट किया गया है। सर्विलांस की टीम ने इन्हें करप्शन के मामले में पकड़ा है। एक्सीडेंट के केस में कोर्ट के रिपोर्ट भेजने के लिए इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई कर रही है, यहां से डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा रही है। पहले भी एक मामला में इन्हें सस्पेंड किया गया था। पहले भी मांग थी 25,000 घूस, ऑडियो हुआ था वायरल। करीब एक साल पहले भी महिला दरोगा का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सेंटू राय नामक व्यक्ति से काम के बदले 25,000 घूस मांग रही थी। दरोगा पूनम ने ये रकम दो किस्तों में 15,000 और 10,000 में मांगी थी। ऑडियो वायरल होने के बाद तत्कालीन एसआई ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद इनकी तैनाती नगर थाने में हुई थी। इस खबर के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। जय हिंद।